हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे होंगे, आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अंडर 10,000 में एक ऑल इन वन टैब के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके मदद से अगर आप स्टूडेंट हो, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो, या फिर आप जो है जूम पे मीटिंग कराना चाहते हो, या फिर जो है आप इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, या फिर बैंकिंग जो APS पर्पज़ है, जैसे स्पाइसमैन या रन इस तरह से फिंगरप्रिंट के द्वारा पैसा निकालते हैं, विदड्रॉ करते हैं, तो उस सिस्टम को चलाना चाहते हो, तो ये टैब आपके लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि इसमें जो फीचर्स दिया गया है ये मतलब लेटेस्ट है, और अभी नया नया हाल ही 2-3 महीने पहले ये लॉन्च हुआ है। स्वाइप का स्लेट 2 मॉडल है, अंडर 10,000, काफ़ी अच्छा है। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स इसमें मिल जाता है और क्या कुछ आप कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर कनेक्ट करके, वायरलेस प्रिंटर, सब कुछ मैं दिखाऊंगा इसमें क्या काम करते हैं। इसका डिस्प्ले जो 10.1 इंची HD डिस्प्ले आपको मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। CPU आप देख सकते हो, क्वाड कोर CPU एंड्रॉयड 9 पाई के साथ मिल जाता है दोस्तों। 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा और बैक में 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। सबसे अच्छी बात 5000 mAh का बैटरी उसमें मिल जाता है, और डुअल वोल्टी के साथ, और कलर गोल्ड टीप मिलता है, और इसका प्राइस जो लगभग 12,000 के आसपास है, पर ऑफर में आपको 9,500 के आसपास आपको मिल जाता है। इसमें दोनों 4G सिम सपोर्ट करता है, और वीडियो कॉल वगैरह अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट रैपर को हम लोग हटा लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर का जो कंटेंट है वो मैं दिखा देता हूँ, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा इसके साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर किस तरह से काम करता है, और सारी गैजेट को इसको सब्सक्राइब करूँगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखते रहेगा। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस तरह का वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ा स्क्रीन आपको मिलता है बक्स का डब्बा खोल देने के बाद, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, और थोड़ा लाइट वेट है, ज़्यादा हेवी भी नहीं है। और बॉक्स के अंदर कंटेंट जो मिलता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो कंटेंट आपको मिलता है यहाँ पे, जो यूज़र मैनुअल वारंटी कार्ड वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है, नॉर्मल सब चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो है USB डाटा केबल है, प्लस चार्जिंग केबल है, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। और एक बुरी बात है, USB-C टाइप नहीं है, ये 2020 चल रहा है, फिर भी यहाँ पे USB 2.0 दिया गया है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा है, और जो चार्जर दिया गया है काफ़ी फास्ट चार्जिंग है, मतलब ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी नहीं है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है। इसका 5000 mAh का बैटरी जो काफ़ी अच्छा बैकअप देगा उसको चार्ज करने के लिए, चार्जर सफिशियंट है। इसका जो वाट एम्पियर आप देख सकते हैं। चलिए तो इसको रैपर को हटा लेते, उसके बाद देख लेते, वाओ व्हाट अ लुक यार दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पे आपको कैमरा दिया गया है, आप देख सकते हैं, और इतना बड़ा स्क्रीन है, 10.1 इंच स्क्रीन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट पे कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का, बैक पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा, और गोल्ड कलर का, तो देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नीचे स्पीकर दिया गया है, और IMEI नंबर वगैरह यहाँ पे है, 2 सिम सपोर्ट करते हैं, ऊपर इस तरह से सिम लगा सकते हैं। यहाँ पे रिसेट बटन, पावर बटन, वॉल्यूम प्लस माइनस बटन, इस तरह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर USB 2.0 और हेडफोन जैक, मतलब कुछ भी कमी नहीं छोड़ा दोस्तों स्वाइप ने, सब कुछ यहाँ पे दिया है। और नीचे मैं अमेजन फ्लिपकार्ट का दोनों का डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दूंगा। तो बॉक्स को बूट अप करने के बाद इस टैब कुछ इस तरह से दिखता है। पावर बाय एंड्रॉयड, इसमें एंड्रॉयड 9.5 जो लेटेस्ट है वो चल रहा है। इसका बूटिंग लोगो काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं। चलिए इसको परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। तो वीडियो का लास्ट तक जरूर देखते रहे, अगर खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक है, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। तो इसका फटाफट सेटअप कर लेते, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेटअप कर दिया हूँ मेरा, उसके बाद गूगल क्रोम खोल के इसका जो प्रोटेल लैंडस्केप दोनों मोड पर सपोर्ट करता है, और ये मेरा मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस है, जो मेरे शॉप के काम के लिए, पैसा विद्रॉ करने के लिए कस्टमर को मैं यूज करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो वोडाफोन का सिम लगाए हूँ, और ये दोस्तों माइक्रो नैनो सिम नहीं, नॉर्मल फुल स्क्रीन सपोर्ट जो सिम है वो सपोर्ट करता है। यहाँ पे प्लस माइनस और पावर बटन दिया गया है, रिसेट का देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ मैंने सेटिंग कर लिया, नेटवर्क भी आ गया, 4G वोल्टी भी यूज कर पा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और यहाँ पे लगा देने के बाद। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है कि इसका जो USB है OTG सही तरह से सपोर्ट करता है नहीं कि, वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सिंपल जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है हम लोगों का मंत्र है, तो इसको कनेक्ट करता हूँ। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सही से इसका OTG सपोर्ट करते हैं। और टैब काफ़ी फास्ट है, 2GB रैम और 3GB रैम दोनों वेरिएंट पे आता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो लाइट जल गया है, और मेरा यहाँ पे जो कैप्चर सक्सेसफुली हो गया है, मतलब ये OTG सक्सेसफुली काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट डिवाइस को डिटेक्ट कर लिया है, तो आप ले सकते हैं, ऑल इन वन पर्पज़ के लिए है। और ये मेरा जो है आप देख सकते हो ब्लूटूथ फिंग जो प्रिंटर है, तो ब्लूटूथ प्रिंटर को मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा, और उसके बाद मैं देखा तो प्रिंट देखे, तो ये मेरा स्पाइसमैन का ID है। तो यहाँ पे अब मैं स्पाइसमैन का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, तो वहाँ से जाके लेके अब आपका दुकान का कुछ काम कर सकते हैं, कस्टमर का विदड्रॉ डिपॉजिट आधार के द्वारा कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में कमेंट कीजिए। तो देखिए प्रिंट देता हूँ तो तुरंत वायरलेसली प्रिंटर सपोर्ट कर जाता है ब्लूटूथ फिंगर। फिर से मैं दिखा देता हूँ, वाओ
क्या स्पीड है दोस्तों, तुरंत यहाँ पे ये सपोर्ट कर जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इस तरह का स्लिप आप कस्टमर को दे सकते हैं पैसा विदड्रॉ करने के बाद। ये मैंने पंजाब बैंक का कस्टमर का किया था। चलिए दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ तो कौन सा रिजोल्यूशन पर ये प्ले होता है। तो यूट्यूब वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से लोड हो गया। इसमें दोस्तों 2.4 GHz सपोर्ट करता है, 5 GHz नहीं, तो वीडियो तुरंत ओपन हो गया। तो चलिए दोस्तों इसका रेजोल्यूशन अभी चेक करके दिखाएं। तो IPS डिस्प्ले है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है IPS डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे 720p 60Hz पे चलता है, तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो चाहे तो डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक कीजिए, कुछ जानना हो सवाल है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, कमेंट जरूर कीजिए, मैं इसका सवाल का आंसर दूंगा। और लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक कीजिए। वीडियो भला लगे तो